प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन एज एस एंटीबायोटिक इंजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बारे में। प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के क्या यूजेस हैं, क्या डोज हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बेसिक्स जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डिटेल्स में प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बारे में। प्लासेंट्रिक्स जेल आता है, प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर बात करें इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो ये 2 ml का जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है और ये 2 ml का इंजेक्शन आता है जिसकी प्राइस होती है 110 रुपये के आसपास, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ MRP। और ये 2 ml का इंजेक्शन होता है, सभी मेडिकल स्टोर मिल जाता है आसानी से। इसका जो मुख्य कारण है वो इसको यूज किया जाता है महिलाओं में सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस इंजेक्शन का गायनोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हैं। आगे हम बात करेंगे कि इस इंजेक्शन को पेशेंट एडल्ट में भी, जेंट्स भी लगवा सकते हैं, जख्म वगैरह जिनको ज़्यादा है उनके लिए, ठीक है। तो प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बात करें हम यूजेस के बारे में, तो ये इंजेक्शन एक प्रकार का कीटनाशक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी में PID, बल्कि यूट्रस, इंडोमेट्रियम में स्वेलिंग, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, उसको हार्मोनल इंबैलेंस है, या उसको PID है, या उसको बल्कि यूट्रस है, इंडोमेट्रियम है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को गायनोलॉजिस्ट लेडीज डॉक्टर रिकमेंड करती हैं, प्रेस्क्राइब करती हैं कि आप इस इंजेक्शन को लगवाओ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम अगर पीरियड भी डिले होकर आते हैं, पीरियड घट भर के आते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें भी इस पर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पीरियड घट बढ़ के आते हैं तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की देख में तभी यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, USG, TBS, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अगर इस तरह की दिक्कत निकलती है, PID, बच्चेदानी में सूजन, इंडोमेट्रियम्स, तो आप इस इंजेक्शन को ले सकते हो अपने नज़दीकी डॉक्टर की देख में, ठीक है। बात करते हैं डोज के बारे में, तो इस इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 1 दिन गैप करके लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को लगा, 2 को नहीं लगेगा, 3 तारीख को लगेगा। और ये अगर जो महिलाएं अनमैरिड हैं, जो लड़कियां अनमैरिड हैं, उनको भी इस इंजेक्शन लगवा सकती हैं, उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और 14 इंजेक्शन की डोज होती है, इसको 14 इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, 100% ठीक हो जाएगी। इसके साथ में एम2टोन सिरप देता है, जो कि 10 ml सिरप पियाता है। ये 4 कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिरप होता है। इसको पीने से भी बच्चेदानी में सूजन, हार्मोनल इंबैलेंस की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो ऐसे में पेशेंट को डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, जो मेडिसिन मैंने बताएं इसको यूज करना। अगर आपको भी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो 100% रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, जैन बनो।